झारखंड की राजधानी रांची में भी वैक्सीन का ड्राई रन चल रहा है। रांची के 3 केंद्रों को वैक्सीनेशन के ड्राई रन के लिए चुना गया है। इसमें सदर अस्पताल रांची, CHC बुंडू और रातू शामिल हैं। ड्राई रन सभी केंद्रों में 25-25 स्वास्थ्य कर्मियों पर चलाया गया। वहीं झारखंड में वैक्सीन लेने वाली पहली नर्स सरेसा मिंज बनी है। रांची सदर अस्पताल में ड्राई रन के दौरान रांची उपायुक्त छवि रंजन के अलावा सिविल सर्जन और WHO के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं उपायुक्त ने बताया कि इस बात का आंकलन किया जा रहा है कि जब वास्तविक रूप से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू होगी तब क्या कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। वहीं सिविल सर्जन ने बताया कि केंद्र सरकार के गाइडलाइंस के मुताबिक वैक्सीन देने की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। वैक्सीनेशन को लेकर राइट फ्रॉम पिछले 1-2 महीने से हम लोग की तैयारी चल रही थी और जितने भी हमारे फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, लैब टेक्नीशियंस हैं, ड्राइवर्स हैं, उन सभी की मैपिंग कर ली गई थी। और अब आज जो है 3 सेंटर पर हम लोगों ने एक मॉक ड्रिल रन किया है, ड्राई रन किया गया है, ताकि पेशेंट के अराइवल से लेकर उनका रजिस्ट्रेशन से लेकर उनका वैक्सीनेशन के बाद पोस्ट वैक्सीनेशन का ऑब्जर्वेशन, उसके बाद अगर कुछ उस पर अगर कोई उसमें कुछ भी सिचुएशन अगर क्रिटिकल हो जाता है तो वैसे केस में कहाँ एडमिट करना है, ये सारी पूरी प्रक्रिया जो स्टैंडर्ड SOP हम लोग को भेजा गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, उसके मानक के अनुरूप जो है आज वो पूरा मॉनिटर चलाया जा रहा है। मौके पर मौजूद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के कंसल्टेंट ने बताया कि WHO पूरी वैक्सीन प्रक्रिया की मॉनिटरिंग कर रहा है। पूरा प्रोसेस तो जैसा आप देख रहे हैं कि यहाँ पे गार्ड खड़ा है, यहाँ पे जितने बेनिफिशियरीज हैं उनको एक मैसेज जाएगा वो कि कौन सा वैक्सीनेशन साइट उनका रहेगा, उस वैक्सीनेशन साइट पर वो आएंगे, वहाँ पर कार्ड उनका चेक करेगा, आइडेंटिटी चेक करेगा कि इज द राइट पर्सन, मतलब भरा नंबर, तो वो जब व्यक्ति के चेक करने के बाद कि वो सही व्यक्ति है उनको अंदर जाने देगा।